हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का बेसिक डिफरेंट डिस्कस करेंगे। कभी कभी बीएससी थ्योरी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का बेसिक डिफरेंट एंड इसके बीच कंपैरिजन। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, कंप्लीट आपको समझाया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहां आप चेक कर सकते हैं एंड टॉपिक्स को डिटेल में समझ सकते हैं। यहां पे हम इनका बेसिक डिफरेंट ही डिस्कस करेंगे। सो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का पहला डिफरेंट है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट इज टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, सो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है। सेकेंड है, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट required and the effect take place only under the influence of attacking reagent. So inductive effect में किसी भी प्रकार के attacking reagents की required नहीं होती है and electromeric effect, ठीक है, electromeric effect attacking reagents के influence में ही होता है। ठीक है, तो इसमें attacking reagent की जरूरत नहीं है inductive effect में, और इसमें electromeric effect में attacking reagent बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट है, द इफेक्ट इन्वॉल्व द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इफेक्ट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में दो एटम्स के बीच में पाई सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट जो है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में दो एटम के बीच, एंड दो एटम के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका कंप्लीट ट्रांसफर होता है, तो उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से रिलेटेड। एंड फोर्थ पॉइंट है, इन दिस इफेक्ट द डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट लीव इट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इन दिस इफेक्ट द डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन लीव देयर ऑर्बिटल्स एंड टेक अ न्यू पोजिशन। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो एक एटम से दूसरे एटम में डिस्प्लेस हुए हैं, वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो है नहीं छोड़ते हैं। एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं एंड न्यू पोजिशंस जो है ले लेते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है, इन दिस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज आर डेवलप ऑन एटम्स एंड नो आयंस आर फॉर्म। ठीक है, किसी भी प्रकार के नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो आयंस हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें जो है चार्ज का सेपरेशन कंप्लीटली हो जाता है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है पांच बेसिक डिफरेंट है इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बीच। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, कंपैरिजन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां से आप इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी 2 और 3 मार्क्स में इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंट पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको बीएससी एंड एमएससी लेवल के हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो उसके पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।